बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन रोल बनाने लगे हैं, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है, और ये रोटी के साथ भी चल सकती है, नान के साथ भी और चाय के साथ भी, जैसे आपका दिल चाहे। तो इसके हम बराबर में पीस जो हैं वो काट लेंगे, यानी अगर ज़्यादा कोई मोटा है तो उसको बारीक कर लेंगे। चिकन हमारा अच्छा और फ्रेश होना चाहिए, बोनलेस। इसको टचिंग के साथ हम टच कर लेंगे, थोड़ा बारीक करेंगे, ना ये ज़्यादा बारीक हो ना ही ज़्यादा मोटा हो। इसके पीस जो है वो बराबर में कटिंग कर लेंगे। हम इसकी जो है वो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। दही तकरीबन हम लेंगे हाफ कप। मसाले इसमें जाएंगे, धनिया खुश्क 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, और तिक्का मसाला जाएगा तकरीबन 1/2 टीस्पून, और चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून, हरी मिर्चें डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। इनको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारा मसाला जो है वो हमने चिकन पे लगा दिया है। इसकी मैरिनेशन हम तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे के लिए रखेंगे। धनिया भी जो है इसमें शामिल करेंगे। इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे चिकन के ऊपर जो है अच्छे से जो है इसकी मैरिनेशन जो है वो बन जाए। अब हम जो है वो शिमला मिर्चें जो है वो काट लेते हैं। बेल पेपर कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत आता है, लुक बहुत प्यारा आएगा। इसको हम छोटे पीसों में काट लेते हैं। ऐसे ही रेड जो है वो काट लेते हैं। इसके बीज जो है वो रिमूव कर देंगे। वो हम स्टिक्स ले लेते हैं। तो एक एक पीस जो है हम इसका रोल बनाते जाएंगे। इसके रोल जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो बाइंड हो जाते हैं जब हम इसमें स्टिक लगा लेते हैं, तो ये इसकी सपोर्ट बन जाती है। और इसके साथ ही हम जो है वो शिमला मिर्चें जो है वो यूज़ करेंगे। ये सारी जो है हम रेडी कर लेंगे। तो अब हम तवे पे ऑयल डालते हैं, कम ऑयल में हम इसको जो है वो बनाएंगे। इसको साथ साथ हम उलट पुलट करते रहेंगे, ताकि हर तरफ से ये अच्छे से चिकन जो है वो पक जाए।
तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, लुक भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर ये पसंद होगी। आपसे बहुत मेहनत करके हम रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाल जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको आप चटनी के साथ इस्तेमाल करें, आप इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।